खबर चंदौली से है। पिछले 5 दिनों से बिजली पेयजल सप्लाई बंद होने और जल जमाव से आज ही ग्रामीण सड़क पर उतर आए और 2 घंटे तक सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गया और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हद तब हो गई जब ग्रामीणों के घंटों हंगामे के बाद भी मौके पर कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा। अंततः पुलिस ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को शाम तक बिजली व्यवस्था बहाल कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। इस दौरान राहगीरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम में सवारी बस एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दी। दरअसल मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के भोजपुर गांव में 5 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया और बिजली न आने के कारण पेयजल की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जबकि योगी सरकार का आदेश है कि हर हाल में 48 घंटे में जला ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए, बावजूद इसके 5 दिन हो गए। अंततः ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए पड़ाव रामनगर मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण इतने उग्र हो गए थे कि अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के समझाने के बाद भी ग्रामीण शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, तब जाकर प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय ने फोन से पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शाम तक बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी। तब कहीं जाकर 2 घंटे से अधिक समय तक सड़क पर बैठे ग्रामीण सड़क से हटे और आवागमन बहाल हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 5 दिनों से गांव की ट्रांसफार्मर जल गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने SDO व जिला प्रशासन को दे रखी है। उसके बाद भी अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, तो जब आज बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तो ग्रामीणों ने पड़ाव रामनगर मार्ग को चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक किसी वाहन से नया ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तब तक जाम लगा रहेगा। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को जाम छुड़वाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों का पसीना निकलने लगा, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। काफी समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए, उन्हें शाम तक ट्रांसफार्मर लाए जाने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण माने। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। लाइट दिया जाए, पानी दिया जाए, हम लोगों की मांगे पूरी किया जाए। मांगे अगर नहीं मानी जाती है क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे, सुबह से शाम तक यही बैठे रहेंगे। और नहीं मानेंगे तो फिर ऑफिस में घेराव किया जाएगा। अरे यार, 4 दिन 5 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं, घर में किसी को पानी नहीं आ रहा है। 4 दिन 5 दिन से किसी घर में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी कहाँ से? नाम सोनू है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग रास्ता जाम कर रहे हैं ताकि बिजली विभाग के कोई अफसर आ करके ये आश्वासन दे सके कि आज हम लोग का ट्रांसफार्मर लग जाएगा। बिजली विभाग के क्या ट्रांसफार्मर जल गया है क्या? बिजली विभाग के तो सूचित 3 दिन से हो रहा है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसके पहले आपने किसी अधिकारी से कहा था? कल आकर एक ट्रांसफार्मर लगाया। कौन लगाया? बिजली विभाग से वो छोटा ट्रांसफार्मर लगाया तो तुझे आधी 10 घंटा में जल गया। आप लोग रास्ता जाम किए हुए हैं, अगर आप लोग सुनवाई रास्ता है हटाया गंगा। आज आप लोग रोड पर हैं, क्या कर रही हैं रोड पर? चक्का जाम किए हैं। क्यों कर रही हैं चक्का जाम? क्यों, लाइट पानी घर में नहीं है इसलिए? 3 दिन से नहीं है, 3 दिन से। आज 5 दिन से गायब है, दिन भर रात भर। क्या मांगे आप? गर्मी के लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। अगर आप लोग की मांग अगर नहीं मानी जाती हो क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे। फिर चक्का जाम? हाँ, फिर चक्का।